इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग कुछ सम इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि यदि आप चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें तो इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट करता है। तो माई डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Let's begin. And first question is कि what is the time limit for disposal of cases in निवारण portal? यानी निवारण portal में किसी भी केस को disposal करने के लिए जो limit है, जो time का जो limit है, वो कितने दिनों का है? तो वो है 60 days। Right answer is 60 days। आपको याद रखना है कि निवारण portal में कोई भी केस है तो उसको disposal करने का जो timing है वो है 60 days। Okay? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। यानी कह रहा है कि DNAR रूल्स 1968 के अंतर्गत कौन सा है निम्नलिखित में जो कि पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे देखिए, सेंसर विदाउट विथ होल्डिंग द प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स और बोथ कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो ये सब कोई नहीं है। जो राइट आंसर है वो है सस्पेंशन। 1968 जो डिसिप्लिन अपील रूल्स है 1968, उसमें सस्पेंशन को पेनाल्टी के रूप में नहीं माना गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन वो पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लान टू अनदर प्लान हेड इज विद इन द पावर्स ऑफ, यानी फंड्स का रीअप्रोप्रिएशन करना फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड, ये किसके अंतर्गत है, किसका पावर है? तो किसी भी फंड्स का रीअप्रोप्रिएशन एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड करने का जो अथॉरिटी है वो है रेलवे बोर्ड। राइट आंसर इज रेलवे बोर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी आर एस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, यानी CRS वर्क्स जो होता है यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, वे ये जो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मार दिएगा, नहीं, CRS वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। राइट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, यानी CRS वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई ऑफिस इज मीन्ट फॉर, यानी ई ऑफिस पर जो हम लोग काम करते हैं, तो ई ऑफिस मीन्स मीन्ट फॉर, इसका मीनिंग क्या है? तो सेंडिंग ऑल फाइल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस एलिमेंटिंग पेपर वर्क, सेंडिंग नॉट सो इम्पॉर्टेंट फाइल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। यानी ई ऑफिस का मतलब हुआ जितने भी पेपर वर्क जो हम लोग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो वो एक्चुअली में उसी का काम होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर वाज GST इम्प्लीमेंटेड, GST कब इम्प्लीमेंट हुआ? तो राइट आंसर इज 2017, GST 2017 अगस्त जुलाई में हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द पे कमीशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, यानी द कंपोजिशन ऑफ द पे कमीशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है पे कमीशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हेड क्वार्टर आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन, यानी देखिए यहाँ पर पहचान है कि किसका वहाँ पर ए नहीं है, है ना? तो पहला है कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद सही है। साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी SWR, ये देखिए बेंगलोर दिया है, ये चूंकि गलती है,
क्योंकि SWR कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर हुबली, कहाँ है हुबली। बाकी सदर्न रेलवे चेन्नई, ये सही है। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR यानी सिकंदराबाद सही है। आपका जो राइट ऑप्शन आंसर है जो बी यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलोर ना होकर हुबली है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, थोड़ा जूम कर लिया जाए और देखा जाए कि अगला क्वेश्चंस क्या है स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इश्यूएंस ऑफ माइनर पेनल्टी चार्जशीट ऑन DNAR प्रोसीडिंग, यानी जब माइनर चार्जशीट की बात हो तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी SF जो बोलते हैं ना, SF11, SF5। तो माइनर पेनल्टी में आपको जो चार्ज किया जाता है वो है SF11। तो राइट आंसर विल बी बी SF11। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर, यानी कोई फीमेल एम्प्लॉय है वो उसे मैटरनिटी लीव कितने दिनों का मिलता है, तो 6 मंथ का, 180 डेज का, 180 डेज विल बी राइट आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन है कि सर्विसेज टेंडरिंग थ्रू, सर्विसेज टेंडरिंग थ्रू यानी कह रहा है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टल है जेम यानी गवर्नमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, उसी के द्वारा सर्विसेज जो टेंडरिंग है वो जेम के द्वारा ही कंडक्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि फिल्म्स सॉरी फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाई एज स्टार्टअप, यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। हाँ, फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाई एज स्टार्टअप्स शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ EMI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, रेलवे बोर्ड, या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। यस, DIPP, DIPP याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉर्मेशन के थ्रू ही फॉर्म्स रिकॉग्नाइज बाई एज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप के द्वारा जो कोई स्टार्टअप होता है उस वो रिकॉग्नाइज किससे होना चाहिए, तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए DIPP, यानी जैसे कोई स्कूल देखते हैं ना CBSE बोर्ड है तो उसको एफिलेटेड होना चाहिए, तो उसी प्रकार से जो कोई स्टार्टअप है उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए DIPP से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके तो राइट आंसर विल बी डी, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि RCM स्टैंड फॉर्स, RCM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल देखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कीजिए, और अपना टाइम टेकन मतलब कि क्वेश्चन में नहीं होना है, टाइम टेकन होने नहीं देना है बल्कि टाइम सेव करना है। तो RCM स्टैंड फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि PG यानी परफॉर्मेंस गारंटी शैल बी सबमिटेड विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ LOA, LOA मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो PG जो है वो सबमिटेड किया जाना चाहिए कब, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के कितने दिनों के अंदर, तो 21 दिनों के अंदर PG सबमिट कर दिया जाना चाहिए। यदि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो इशू हो गया है तो उसके विद इन 21 डेज PG शुड बी सबमिटेड विद इन 21 डेज। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फंडिंग इन इंडियन रेलवेज, लीज्ड एसेट फ्रॉम IRFC, LIC लोन, RRS के फंड्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो RRS के फंड्स जो है वो EBR फंडिंग के अंतर्गत नहीं आता है। RRS के मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की सिंगल डिमांड फॉर ग्रांट नंबर एजेंट फॉर रेलवे इन 2017-18 बाज,
यानी 80 KB, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80, ठीक है 80। बी में ऑप्शन है 82, सी में ऑप्शन है 83, तो राइट आंसर इज 80। ठीक है, यानी सिंगल डिमांड फॉर ग्रांट नंबर्स असाइन फॉर रेलवे 2017-18 के लिए जो सिंगल डिमांड ग्रांट किया गया था रेलवे के लिए वो कितना था, वो था 80। चलिए अब बढ़ते हैं कि एज पर आर्टिकल 113 अंडर ब्रैकेट 3 ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी किसके रिकमेंडेशन के पर जो है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड, डिमांड फॉर ग्रांट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आ गया फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एनी 15 ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है बल्कि आपको डायरेक्ट हिट करना है कि पीजी सेल बी रिलीज टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर को पीजी कब रिलीज किया जाना चाहिए, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आप चाहे तो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि पीजी सेल बी रिलीज टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कार्य समाप्ति के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को पीजी रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट पेवेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस वेरिएशन शैल बी सेटल्ड एवरी, सॉरी एक आंसर नहीं पता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच यानी प्लान एट 53 इन इंडियन रेलवे डील्स विथ, तो ये हो जाएगा कस्टमर या पैसेंजर कर सकते हैं, पैसेंजर एमनिटीज। ओके, नेम ऑफ प्रेजेंट चेयरमैन एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है या सीईओ कह लीजिए ये कौन है, तो ये है आपका विनय त्रिपाठी, यानी वी के त्रिपाठी इज राइट आंसर। आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं वी के त्रिपाठी त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ स्टॉक इज बुक्ड अंडर PU, PU मीन्स प्राइमरी यूनिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ स्टॉक, अदर स्टॉक से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट है वो PU, कितने PU में इसको मेंशन किया जाएगा, तो इसे मेंशन किया जाएगा PU 27 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, और अगला क्वेश्चन बिना ऑप्शन का, एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवे बोर्ड इज चार्ज टू डिमांड नंबर फर्स्ट एंड रेलवे स्टाफ कॉलेज इज चार्ज टू डिमांड नंबर, तो देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवे बोर्ड इज चार्ज टू डिमांड नंबर वन, रेलवे बोर्ड का जो भी एक्सपेंस होता है वो डिमांड नंबर वन में चार्ज किया जाता है, एंड रेलवे स्टाफ कॉलेज इज चार्ज ऑफ डिमांड नंबर टू, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन, यानी ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो है चेन्नई में, कहाँ है चेन्नई में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेलवे केवड़िया स्टेशन ऑल्सो नोन एज एकता नगर रेलवे फॉल्स अंडर डिवीजन, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रेलवेज में जो केवाड़िया स्टेशन है ना, केवाड़िया स्टेशन वो एकता नगर रेलवे स्टेशन के रूप में जानता है। अब देखिए एकता नगर आपको याद है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, बड़ोदरा में है, तो एकता नगर जो रेलवे स्टेशन है वो भी बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत ही है, उसी के नाम पर पड़ा है एकता नगर रेलवेज। ओके, चलिए मिसक्लासिफिकेशन बिटवीन वोटेड एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल सेगमेंट्स बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ETC डिटेक्टेड इन द अकाउंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन विच एनेक्सर, तो एक एनेक्सर है वन ABCDEFGHIJKL इस तरह से, तो एनेक्सर J में इसको मेंशन किया गया है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट बाय इन अर्निंग क्लासिफिकेशन, यानी रेलवे की जो अर्निंग होती है उसको कैटेगरी, तीन कैटेगरी में बांटा गया, एक्स बाय जेड। तो एक्स में क्या होता है, बाय में क्या होता है, जेड में क्या होता है, एक्स में कोचिंग, बाय में गुड्स, जेड में सैंडरी एक्सपेंसेस जो भी होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट बाय, तो आंसर विल बी गुड्स, है ना। गुड्स अर्निंग जो आएगा उसको बाय के अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल एस्टिमेट नीड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बग्स कॉस्टिंग लेस देन, यानी लेस देन कह सकते हैं 5 लाख। राइट आंसर इज 5 लाख, यानी 5 लाख से कम का वैल्यू है का, जो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है तो उसको एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटेल एस्टिमेट तभी बनाया जाएगा जब उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो मोर देन 5 लाख हो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है लेस देन, यानी 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, RRS के यानी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष हैज़ बीन एलोकेटेड ए फंड ऑफ RS ब्लैंक्स टू बी स्पेंट इन 5 ईयर्स फॉर रेलवे सेफ्टी बग्स, यानी 5 साल में रेलवे सेफ्टी बग्स पर RRS के में कितना फंड से लोकेट किया जाता है, कितना दिया जाता है खर्च करने के लिए, तो वो भी है 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ यानी 5 लाख CR, ओके। चलिए नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस वो मैन्युफैक्चर किस प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ICF, यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, उसी प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर किया गया है, ओके। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप जानते हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि द लिमिट अलाउड टू जोनल रेलवे फॉर फर्निशिंग रिप्लाई टू प्रोविजनल पारा, यानी प्रोविजनल पारा को फर्निश करने के लिए जोनल रेलवे को कितना टाइम अलाउड है, तो जोनल रेलवे को कितना टाइम अलाउड है, यदि किन्हीं को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वीक्स, यानी जोनल रेलवे को 2 वीक्स का टाइम है, तब उस टाइम के अंतर्गत वो प्रोविजनल पारा को फर्निश कर सकता है, समाप्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग HRD प्लान हेडिस, यानी HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का या ट्रेनिंग जो होता है दिया जाता है वो प्लान हेड कितने के अंतर्गत उसका मेंशन किया गया है, तो प्लान हेड जो है वो है 6500, कितना है 6500, ओके। यानी प्लान एट 6500 के अंतर्गत ट्रेनिंग या HRD को मेंशन किया गया है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक नया पैटर्न ट्रू फॉल्स विदाउट एनी ऑप्शंस बनाना है। चलिए देखिए, द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज ओनली ए क्रेडिट बैलेंस, कहता है कि सस्पेंड अकाउंट बैलेंस जो है वो क्या सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है, नो, इट मे बी डेबिटेड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, द होस्टल सब्सिडी एंड CEA कैन बी क्लेम्ड कंकुरेंटली, तो ये बात सही है कि आप होस्टल सब्सिडी एंड CEA यानी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस ले सकते हैं यदि बच्चा आपका हॉस्टल में, तो हॉस्टल सब्सिडी भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेबल एज पर 7th पे कमीशन इन RS, यानी ये जो कह रहा है कि जो DCRG का जो अमाउंट है वो 7th पे कमीशन में ये लाया गया है कि जो अभी जैसे 20 लाख है, तो यस, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेबल एज पर 7th पे कमीशन इज RS 20 लाख, तो यस ट्रू, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज आर एडमिशेबल फॉर द कैटेगरी ट्रैक मेंटेनर्स, तो यस ये भी ट्रू है आपको कि 1/7/2007 से
ट्रैक मेंटेनर्स को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज एडमिशेबल किया गया? तो राइट आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इन सर्विस टेंडर्स इज टू कीप द फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर. तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा नहीं है. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. फाइव का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स. द ऑब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इन सर्विस टेंडर इज टू कीप द फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर. तो ये हो जाएगा फॉल्स. तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ बेसिक फैक्ट्स था जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन था, जो जिस पर हम लोग आज डिस्कशन किए. हालांकि कुछ ट्रू फॉल्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था, है ना, स्टेटमेंट था. तो इस एक से दो बार वीडियो जब देखिएगा तो आप इसको कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. ओके, तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. टिल देन, बाय बाय. See you. Love you all.